तो दिल्ली में आईएएस ऑफिसरों की हड़ताल समाप्त करवानी मांगनी साथे भूख हड़ताल पर उतरेला आप नेताओं में सत्येंद्र जैन की तबियत लथड़ी थी। सत्येंद्र जैन ने तबियत लथड़ता ज सारवार अर्थे हॉस्पिटल में खसेड़ाया था, ज्यां सारवार दरमियान तेमनी हालत हाल स्थिर होवानुं डॉक्टर जणावी रह्या छे। आप नेता संजय सिंह जणाव्युं छे कि हजू सत्येंद्र जैन ने डॉक्टर की देखरेख हेठळ राखवामां आवशे। महत्वनुं छे कि छेल्ला सात दिवस थी आईएएस ऑफिसर की हड़ताल पूर्ण करने की मांग ने लईने दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्रिमंडल सहयोगी सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भूख हड़ताल पर छे। सातमा दिवसे सत्येंद्र जैन की तबियत लथड़ता तेमणे सारवार माटे हॉस्पिटल पण खसेड़वामां आव्या छे। तो आपने जणावी दीए कि सत्येंद्र जैन जेमनी तबियत हाल स्थिर छे, पण ज्यारे तेओ भूख हड़ताल पर उतर्या छे तेमनी तबियत ने पण અસર પહોંચી છે અને તેના કારણે તેમને હોસ્પિટલ સ્થિત રાખવામાં આવ્યા છે। उन्होंने देखा कि उनको सिरदर्द भी होने लगा है और नौजिया की फीलिंग औकाई भी आने लगी है और उनके सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में हमारे पास और इसके बाद जो कीटोन बॉडीज का रिपोर्ट आया देर रात में, उससे हमने फिर फैसला किया कि तुरंत जो है इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। हमारी टीम जो है डॉक्टर्स की फौरन उनको लेके आई, आईसीयू में भर्ती किया, उनका इलाज शुरू हो गया है और इलाज शुरू होने के तुरंत बाद ही वो बेटर महसूस करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, उनका सिर दर्द खत्म हो गया है, उनका सांस में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, थोड़ा समय लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन कंडीशन उनकी अब स्टेबल है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन पर रखा गया है और आईसीयू में है। कीटोन लेवल बढ़ गया था, अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई जिसके कारण उनको हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक स्वास्थ्य मंत्री एलजी हाउस में पिछले सात दिनों से बैठे हुए थे, उनसे दो मिनट बात करने की फुर्सत नहीं मिली और ये परिस्थिति पैदा हुई। निश्चित रूप से आज जो सत्येंद्र जैन जी जिस परिस्थिति में हैं, ये कोई बड़ी घटना भी इनके साथ हो सकती थी। अभी मेरे डॉक्टरों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनको उल्टियां आ रही थी, चक्कर आ रहे थे और सर में बहुत दर्द था और उनका जो बीपी है वो ऊपर का 90 और नीचे का 68 हो गया था, जो काफ़ी कम था और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं होकर आया हूँ तो अभी उनको आईसीयू में रखा गया है और वो इस वक्त बोलने की हालत में भी नहीं है।